हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसका अभी अभी इंडिया ने जिसको ख़रीदा है। और अभी जब राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा हुआ था हाल के दिनों में, तो भारत ने इस सौदे को फाइनल कर दिया था और भारत को रशिया जो है ये मिसाइल सिस्टम देगा। ये मिसाइल सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ये 1980 से चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें इसमें होती रहीं और हर्डल्स आते रहे, और फिर फाइनली फिर 2004 में जो है ये पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ। और 2007 में जो है रशियन आर्मी ने इसको यूज़ करना चालू कर दिया। इसका जो डिज़ाइन है वो एमास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो जो रशिया का है, उसने इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका डिज़ाइन किया है। नेटो की जो सेनाएं हैं वो इसको S-21 ग्राउलर के नाम से जानती हैं। S-400 का दूसरा नाम S-400 ट्रम्प भी है। इसको पहले ये S-300 PMU-3 के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसमें कि चार मिसाइलें यूज़ होती हैं, जिसमें दो मिसाइलें जो होती हैं वो लॉन्ग रेंज की होती हैं, जिसमें एक एक जो रहती है वो 400 किलोमीटर की और दूसरी जो है वो 250 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा एक मीडियम रेंज की भी मिसाइल इसमें होती है 120 किलोमीटर की, और एक जो है शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है जिसका रेंज जो है 40 किलोमीटर होता है। तो ये कुल मिला के चार जो है एनवेलप रहते हैं, या मिसाइल रखने की जगह वाले जगह में ये चार अलग अलग किस्म की मिसाइलें जो हैं S-400 सिस्टम में लगी हुई होती हैं। इसके साथ रडार सिस्टम भी अवेलेबल होता है जो कि शत्रु के विमानों को पहचानता है, और उसके आगे उसके बाद इसके में जो कंप्यूटर लगे हैं उसको पहचान कर जिस दूरी पे है उस दूरी की मिसाइल को जो एक्टिवेट करते हैं, और फिर शत्रु के जो मिसाइल है उसको गिराने का ये काम करते हैं या नष्ट करने का काम करते हैं। अभी जो माना जाता है कि एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम है उसमें S-400 जो है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, और इसका इस्तेमाल जो अभी जो है रशिया के अलावा चाइना और इंडिया ने ही किया है। तो ये थी थोड़ी जानकारी आपको S-400 सिस्टम के बारे में। आगे मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जनरल नॉलेज से संबंधित और अच्छी अच्छी बातें आपको बताता रहूँ। धन्यवाद।